नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो अपने WhatsApp पर जो है अपडेट्स और चैनल्स का ऑप्शन है और साथ ही यहां पर आपको फाइंड चैनल्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर ये वो चैनल्स दिखा रहा है जो आपने चैनल्स क्रिएट कर रखे हैं और यहाँ पे वो दिखा रहा है जो चैनल्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं। ये आपके सामने ज्वाइन किए हुए चैनल दिखा रहा है और यहाँ पर ये फाइंड चैनल्स का ऑप्शन दिखा रहा है। इनको आप कैसे हटा सकते हैं, क्या ये हटेंगे या ऐसे ही रहेंगे, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्या इसकी पूरी सच्चाई है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स पागल बना रहे होंगे कि आपको क्या करना है, आपका जो व्हाट्सएप का जो ओल्ड वर्जन है उसको डाउनलोड करना है। जैसे आप ओल्ड वर्जन को डाउनलोड करोगे और अकाउंट बनाओगे तो ये वाली प्रॉब्लम है ये हट जाएगी। तो इस तरीके से ये वाली जो प्रॉब्लम है नहीं हटेगी। ये जो आपको चैनल सजेशंस के अंदर दिख रहे हैं ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। इससे क्या फ़ायदा है, जैसे आप यहाँ से चैनल क्रिएट करते हो तो आपके साथ भी ऐसे ही ऑडियंस जुड़ेगी जैसे आप टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट करते हो। ये जो चैनल्स हैं ये हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहेंगे, आपको सजेशंस के अंदर भी दिखते रहेंगे। चाहे आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख लेना, कोई आपको पागल बनाए तो पागल मत बनना, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आपको कोई अलग अलग ट्रिक्स भी बताएगा आप ऐसे अपना टाइम वेस्ट करोगे। और जो इस चैनल्स के अंदर हटने का कोई ऑप्शन भी नहीं है, जैसे व्हाट्सएप ने अगर यहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन दिया होता ना कि आप इनको फाइंड चैनल्स को सजेशंस में से हटा सकते हैं, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। ये जो अपडेट आ रहा है उसी के बाद से ये प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी और ये कभी नहीं हटने वाली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये व्हाट्सएप पर अपडेट्स और फाइंड चैनल्स का ऑप्शन है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, कभी भी नहीं हटेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पर आपको नई वीडियो चाहिए।